भी एक बहुत ही अलग तरीके की फिल्म है. इसमें वही इंडियन फैमिली है लेकिन डिपिक्शन ट्रीटमेंट बहुत ही नया है, बहुत ही आज का है. और आई फील इट्स अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ द चेंज दैट इंडियन सिनेमा, इंडियन सोसाइटी हैज गॉन थ्रू. वी टॉक अबाउट फैमिली, वी टॉक अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ आइडियलिज्म विच गोज विद फैमिली. माँ बाप का प्यार, भाइयों के बीच में जो कमराडरी वगैरह वगैरह. आई थिंक वॉट हर फैमिली फैमिली नहीं होती मीन्स इज दैट लॉट ऑफ टाइम्स यू फाइंड पीपल थ्रोन इन टू दैट दोज रिलेशनशिप्स बट दे आर मिसिंग द कोर इमोशंस. के भाई और भाई वो भाई तो हैं लेकिन कमराडरी नहीं है. इनफैक्ट आप YRF की फिल्में देखें या धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में देखें, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली. इतने दशक तक हम जो डार्कर साइड ऑफ इंडियन फैमिली है उसको कारपेट के नीचे धकेलते आए हैं. तो पहली बार एक फिल्म ऐसी आई है तितली जो कि उन चीज़ों को कारपेट से कारपेट को उठा रही है उन चीज़ों से कि वॉट आर द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन फैमिली. उसमें पेट्रियार्की भी है, उसमें जो फैमिली का आइडियलिज्म है व्हेन इट मीट्स रियलिटी किस तरह से वो इमोशंस और वो रिलेशनशिप्स म्यूटेट करते हैं. मेरा कैरेक्टर नीलू बहुत ही स्ट्रांग लड़की है. स्ट्रांग इन व्हाट सेंस कि उसको पता है एग्जैक्टली उसको क्या करना है और क्या चाहिए लाइफ में. जनरली क्या होता है, अगर हमारी फैमिली हमको फोर्स कर देती है किसी सिचुएशन में कि तुम ये पढ़ लो और अब तुम्हें साइंस ही लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ठीक है अब साइंस ले लेंगे, चलो ठीक है. पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एंड तक लड़े रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं साइंस पढ़ना, और दे नो एग्जैक्टली अगर मैं साइंस लूँगी तो अब मुझे क्या करना है. तो आप एग्जैक्टली जानते हो, तो नीलू को एग्जैक्टली पता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में चली गई तो अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँगी. तो जैसे ही वो सिचुएशन में पहुँचती है उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है. एंड जैसे फिल्म में इसके साथ मेरी तितली के साथ मेरी शादी हो जाती है, तो उसके बाद वो उसकी मर्जी के खिलाफ होती है, वो नहीं चाहती कि उसकी शादी तितली से हो. और वो कैसे उस फैमिली से बाहर निकलने के लिए, या वो भी एस्केप करना चाहती है, तो समहाउ हम दोनों ही एस्केप करना चाहते हैं उस फैमिली से, और फिल्म उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है.